Hello everybody, welcome back to NEETPOD. So far we have completed the first heading of this chapter, that was the origin of life, जिसमें हमने several types के theories की बात की, chemical evolution की बात की, biological evolution की बात की और lastly हमने discuss किया Miller के experiment को जो कि chemical evolution को support करता है. आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरी हेडिंग के बारे में जिसे हम कहते हैं एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द एविडेंसेस एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. सो अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था, जब चैप्टर की शुरुआत हुई थी तो मैंने आपको चार इंपॉर्टेंट हेडिंग्स बताए थे. फर्स्ट जो थी वो थी ओरिजिन ऑफ लाइफ, दूसरी है एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन और तीसरी होगी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में थेरीज क्या है और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में जो एविडेंस हमें मिलते हैं वो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको हम लोग दो लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एक लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा. सो पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस के फर्स्ट लेक्चर में आज में हम लोग बात करने वाले हैं कि पैलेंटियोलॉजी किसे कहते हैं, फॉसिल्स कहाँ बनते हैं, किसे कहते हैं, उसके क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे. उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के बारे में, जो अब तक आपको कई दफ़ा कंफ्यूजिंग लगता होगा. सो आज हम लोग बड़े बेसिक आइडिया के साथ और बहुत ही इजीली पढ़ेंगे फॉसिल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के बारे में. और चैप्टर का लेक्चर के लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिसिंग लिंक के बारे में. कनेक्टिंग लिंक आपने सुना होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं मिसिंग लिंक के बारे में. चले आइए लेक्चर को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं कि पैलेंटियोलॉजी क्या होती है. सो स्टडी ऑफ फॉसिल्स को क्या कहते हैं, पैलेंटियोलॉजी. पैलेंटियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स. जीवाश्म का अध्ययन जब किया जाता है उसे जीवाश्म विज्ञान कहते हैं. सो पैलेंटियोलॉजी ये हो गए. इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो बेसिकली फॉसिल्स होते हैं दे आर एक्चुअली द रिमेन्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म. वो क्या है, किसी भी जीव के, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी पार्ट है, शरीर का भाग है, उसके जो इंप्रेशन है, अवशेष हैं, उसे हम लोग जीवाश्म कहते हैं. सो फॉसिल्स क्या है, दे आर दी रिमेन्स ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स. ये इसे हम लोग जीवाश्म कहते हैं. अब बात आती है कि फॉसिल्स कहाँ पे मिलते हैं, तो बेसिकली दे आर फाउंड इन द रॉक्स. सो फाउंड इन द रॉक्स और इन रॉक्स में भी सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं. सो मोस्टली इन सेडिमेंटरी रॉक्स. होता क्या है कि जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक एक लेयर, ये चारों तरफ जो है एक एक लेयर बनती जाती है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई अर्थ है और इस अर्थ के परिधि में इस तरह से अलग अलग चट्टानों की लेयर बनती चली जाती है और इसके बीच में कोई ऑर्गेनिज्म जो है दबा होता है और फिर इस तरह से दूसरी लेयर बनती है, फिर इस तरह से यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म दबा होता है. तो ये दबे हुए जो ऑर्गेनिज्म के अवशेष या रिमेन्स मिलते हैं उसी को हम लोग फॉसिल्स कहते हैं. तो यहाँ पे हमने कहा कि जो मोस्टली पाया जाता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है. और जब हम लोग स्टडी करते हैं फॉसिल्स की इन डिफरेंट सेडिमेंट्री रॉक्स,
डिफरेंट, ये अलग है, ये अलग है, और इस तरह से अलग अलग रॉक्स में, अलग अलग सेडिमेंटरी रॉक्स में जाते हैं तो हम पाते हैं कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन दिस डिफरेंट सेडिमेंटरी रॉक्स रिप्रेजेंट और इंडिकेट्स द जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ द अर्थ इन विच दे एग्जिस्टेड। मतलब ये है कि अर्थ का जो पूरा आयु है, अर्थ की जो पूरी एज है, उसको कई क्लासेस में या कई एरा में डिवाइड किया हुआ है। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कौन कौन से पीरियड हैं। तो उस जियोलॉजिकल पीरियड में या जियोलॉजिकल एरिया में, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ये 200 साल तक रहा हुआ या 1000 साल तक रहा, तो ये एक अलग पीरियड है, ये एक अलग पीरियड है। तो इस पीरियड में जो ऑर्गेनिज्म बना या जो ऑर्गेनिज्म के अवशेष मिले वो उस जियोलॉजिकल पीरियड को इंडिकेट करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था ओरिजिन ऑफ लाइफ में, कि सबसे पहली जो लाइफ बनी वो वाटर में बनी। जाहिर है वाटर में बनी तो फिश होंगी, फिश से फिर जो है मिलता जुलता एम्फीबियंस होगा, एम्फीबियंस से फिर रेप्टाइल्स जो धरती पे होने, फिर रेप्टाइल्स आगे चल के वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, फिर मैमल्स का एक युग आया, एक इरा आया जो कि अभी डोमिनेट कर रहा है। सो इसी तरीके से जिस पीरियड में जो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है वो उसका जियोलॉजिकल पीरियड होता है। सो स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री रॉक्स रिप्रेजेंट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स अलग अलग पीरियड का लेते हैं या ये स्टडी करते हैं, मान लीजिए ये फॉसिल्स यहाँ पे है और इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो इस सेडिमेंट्री रॉक के इस रॉक में पाया गया, तो इस वक्त जो है ये वाला जो ब्लू कलर से हम इसको डेजिग्नेट कर रहे हैं, इसमें ये इस जियोलॉजिकल पीरियड को इंडिकेट करता है। अब उनमें से कुछ ये हैं, सम ऑफ देम रिप्रेजेंट्स, सम ऑफ देम रिप्रेजेंट द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर, ये जो कि 65 मिलियन ईयर्स पहले जो है वो मिलियन ईयर्स अगो डिसअपियर हो गए। कहने का मतलब ये है, यहाँ तक जो हमने बात की डायनासोर, वो बेसिकली फॉसिल्स किसे कहते हैं, फॉसिल्स कहाँ पाए जाते हैं, और फिर डिफरेंट सेडिमेंट्री रॉक्स के भीतर में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो उस जियोलॉजिकल पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। और उनमें से इसी तरीके से उनमें से कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं जो कि जिसके ऑर्गेनिज्म अब एक्सटिंक्ट हो गए, इस उसके जो अवशेष मिले हैं उस तरह के ऑर्गेनिज्म अब इस पृथ्वी पे नहीं पाया जाता है, इसी के बारे में ऐसा कहा गया। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फॉसिल्स क्या होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनअल्टर्ड फॉसिल्स के बारे में। देखिए, जैसे कि नेम से क्लियर है कि हम लोग अनअल्टर्ड फॉसिल्स कहते हैं कि जब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट में या बॉडी में कोई भी परिवर्तन ना हो, वो एज इट इज हमें मिल जाए। सो ऑर्गेनिजम्स आर
found in their original form. ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाए तब उसे बोला जाता है अनअल्टर्ड, कोई भी चेंजेस नहीं हुए. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग बात करते हैं ओली मैमोन्स की, जिसे कि मॉडर्न डे में जो एलिफेंट्स हैं उसके एंसेस्टर्स माने जाते हैं. सो एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न एलिफेंट. ये ऐसा क्यों हुआ भाई, कैसे बिल्कुल एज इट इज मिल गया. एक्चुअली क्या है कि पृथ्वी में अलग अलग एजेस चले. जब आइस एज था, यानी जब बर्फ ही बर्फ था या आइस ही आइस था, तो उस केस में क्या हुआ कि दे आर फाउंड फ्रोजन इन आइस. ये लगभग कब, 25,000 ईयर्स बिफोर, ये 25,000 साल पहले आइस का एज था. उस वक्त जो आइस में जैसे कोई भी ओली मैमल्स जो ऑर्गेनिज्म था उसकी डेथ हुई और उसके बाद जो है बर्फ से चारों तरफ से वो घिर गया, दब गया. तो उस केस में जो अवशेष था, या यूं कह लें कि जो पूरा ऑर्गेनिज्म था, वो एज इट इज़ रहा, उसमें कोई भी डिग्रेडेशन नहीं हुआ. आज भी आज अगर आप लंबे समय तक किसी चीज़ को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है आप मेंटेन कीजिए, लो टेम्परेचर में रखिए, वो मेंटेन होगा, वो डिग्रेड नहीं होगा. तो ये अनअल्टर्ड फॉसिल्स इसे कहते हैं. इसके बाद हम लोग बोलते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं. सो नेक्स्ट इज पेट्रीफाइड फॉसिल्स. देखिए पेट्रीफाइड फॉसिल्स में क्या होता है जनरली कि जो बॉडी का सॉफ्ट पार्ट है वो रिप्लेस कर दिया जाता है कुछ मिनरल्स के द्वारा. सो सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स आर रिप्लेस्ड विद डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स. तो इस तरह के हम लोग फॉसिल्स को बोलते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल्स, यानी बॉडी का पार्ट, सॉफ्ट पार्ट जो है वो डिग्रेड हो गया, उसके जगह पे मिनरल्स डिपॉजिट हो गए. तो उस तरह के फॉसिल्स को हम लोग बोलते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल्स. और खास बात यह है कि ये मोस्ट कॉमन होता है, बहुत ही कॉमन होता है इस टाइप के फॉसिल्स. अब तीसरी कैटेगरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं मोल्ड फॉसिल. मोल्ड फॉसिल कहते हैं, जनरली मोल्ड का मतलब होता है सांचा, किसी सांचे में. ओनली बॉडी इंप्रेशंस, ओनली जो इंप्रेशंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है वही मिलते हैं, यानी बिल्कुल एक छाप मिलता है, इंप्रेशन मिलता है, बाकी बॉडी पार्ट कोई रिकवर नहीं होता है. सो ओनली इंप्रेशंस ऑफ बॉडी पार्ट्स पाया जाता है, नो बॉडी पार्ट्स आर रिकवर्ड, कुछ भी नहीं मिलता है. ये तो थी तीन टाइप की. अब हम लोग चौथे टाइप में बढ़ते हैं और उसके बारे में बात करते हैं. जनरली उसे हम लोग बोलते हैं कास्ट फॉसिल्स. कास्ट फॉसिल्स के बारे में कहा जाता है कि कभी कभी समटाइम मिनरल्स आर फिल्ड इन द मोल्ड, दैट इज व्हाई इट रिजर्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कास्ट फॉसिल्स. सो समटाइम्स समटाइम्स मिनरल्स filled in the mold resulting in the cast
फॉसिल्स, यानी कास्ट फॉसिल्स का फॉर्मेशन, या यूं कह लें कि कास्ट फॉसिल्स जो हमें मिले वो इस तरह से मिले कि कुछ मिनरल्स जो हैं वो मोल्ड में इकट्ठा हो गया, फिल हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रिंट फॉसिल्स। प्रिंट फॉसिल्स जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो है फुटप्रिंट्स मिले, कुछ स्टेम्स के प्रिंट्स मिले, इसी तरह से कुछ विंग्स के मिले। सो नेक्स्ट इज प्रिंट फॉसिल्स। इसमें मिलता है क्या? फूट प्रिंट्स, या ऐसे लिख सकते हैं प्रिंट्स ऑफ फूट विंग्स स्टेम्स स्टेम्स एंड लीव्स आर फाउंड। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उसके कुछ इम्प्रेशन मिले और उस इम्प्रेशन की वजह से, उस प्रिंट की वजह से हम अनुमान लगाते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म किस टाइप का होगा। और एक लास्ट कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं जिसे बोलते हैं कॉप्रोलाइट्स। ये भी एक तरह का फॉसिल्स है। जनरली इसमें जो लार्ज ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके फीसेज और एक्सक्रेट्रा जो है वो चट्टानों में दब गए और फिर जब स्टडी किया गया तो उससे पता चला। सो फीसेज एंड एक्सक्रेटा ऑफ लार्ज ऑर्गेनिजम्स। सो देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ फॉसिल्स जिसमें हमने बात की, अनअल्टर्ड, पेट्रीफाइड, मोल्ड, कास्ट प्रिंट फॉसिल्स एंड लास्ट में कॉप्रोलाइट्स की बात की। इसके इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि मिसिंग लिंक क्या होता है, उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। सो नेक्स्ट इज मिसिंग लिंक। देखिए मिसिंग लिंक उसे कहते हैं, जनरली आपने कनेक्टिंग लिंक सुना होगा, यानी दो ग्रुप्स के कॉमन जो फीचर्स होते हैं जब किसी एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है तो उसे कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। इसी तरीके से कनेक्टिंग लिंक की तरह ही मिसिंग लिंक होता है, दो ग्रुप्स के कॉमन फीचर्स एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है परंतु वो ऑर्गेनिज्म अब नहीं रहा, वो एक्सटिंक्ट हो गया है। सो इस तरह के लिंक को हम लोग मिसिंग लिंक बोलते हैं। सो कनेक्टिंग, द कनेक्टिंग लिंक लिंक्स विच आर नॉट फाउंड करेंट इन करेंट डेज कॉल्ड मिसिंग लिंक। ये मतलब दो ऐसे ग्रुप्स के फीचर्स एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता लेकिन अब वो नहीं पाया जाता। उसमें से एक एग्जांपल है बहुत ही कॉमन, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, यानी इसमें देखा जाता है रेप्टेलियन फीचर और बर्ड्स के भी देखे जाते हैं। सो एवियन, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि रेप्टाइल की तरह इसमें टेल पाया जाता है, जैसे लिजर्ड लाइक टेल, सो टेल। इसके अलावा इसमें फ्री कॉर्डल वर्टिब्री पाया जाता है। इसके अलावा इसमें टीथ पाया जाता है था, और इसके अलावा इसमें वीक स्टर्नम होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रेप्टाइल्स के हैं, क्योंकि बर्ड्स में टेल, इसी तरह से फ्री कॉर्डल वर्टिब्री, टीथ एब्सेंट होता है और स्टर्नम बहुत वीक नहीं होता है। लेकिन एवियन वाले कैरेक्टर्स भी इसमें पाए जाते थे, जैसे कि
विंग्स, फीदर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बीक, ये कुछ फीचर्स पाए जाते थे जो कि बर्ड्स में जनरली पाया जाता है। सो इस तरह के फीचर्स या जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं जब किसी एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और वो अवेलेबल ना हो उसके जो सक्सीडर है उस तरह से जो उस तरह के जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं अभी अवेलेबल ना हो तो उसे हम लोग रखते हैं मिसिंग लिंक में, और उसका एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कंटिन्यूइंग द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेज, जिसमें हमने बहुत सारी बात अभी करनी है। इसके अलावा उसके जो क्वेश्चंस क्या हैं उसको भी करना है। सो इफ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एज मच एज यू।